वेलकम टू डिक्की वीडियोज। आज हम दुख का अधिकार कहानी का अध्ययन करेंगे जो कि श्री यशपाल ने लिखी है। इस कहानी में उस समय फैले हुए अंधविश्वास और ऊंच नीच के भाव को बताया गया है। कहानी में बताया गया है कि यानी दुख की अनुभूति तो सभी को बराबर होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन अमीरों को सुविधा मिलती है, साधन है उनके पास, इसलिए वो दुख का मातम आराम से मना सकते हैं। लेकिन गरीबों के साथ ऐसा नहीं है, उनको दुख होते हुए भी अपने कार्य पर जाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कहानी के अंदर क्या बताया श्री यशपाल ने। उन्होंने पाठ की शुरुआत की है कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक मतलब जो ड्रेस पहनते हैं वो अलग अलग श्रेणी यानी कि गरीब अमीर सभ्य असभ्य इनके अंदर बांट देती है। यानी कि इस समाज में पोशाक ही मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। अधिकार, मनुष्य का अधिकार का मतलब कि उसको कितना अधिकार है। अच्छी पोशाक पहना हुआ तो अच्छा अधिकार है। दर्जा यानी कि वो ऊंचा है, ऊंची जाति का है या ऊंचे वर्ण का है या अमीर है, ये सब दर्जा कौन देता है? मनुष्य की पोशाक। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। यानी कि लेखक ने कहा है कि ये पोशाक हमारी अड़चन यानी कि बाधा भी बन जाती है। कब? जब हम कोई गरीब का दुख दूर करना चाहे। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यानी यहाँ पर लेखक ने बताया कि जैसे आकाश में उड़ती हुई पतंग भूमि पर नहीं गिरने देती उसको वायु, वैसे ही हमारी जो ड्रेस है, हमारी जो पोशाक है, वो हमें जो गरीब लोग हैं उनसे मिलने से रोक देती है। अब आगे देखिए कहानी में बताया गया कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। डाली का मतलब कि जो खरबूजे डालिया में डाली में बेच के और बेचते हैं उसके लिए आया है। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ का मतलब बूढ़ी औरत। खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से अपना मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। यानी कि लोग उससे खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहे थे? क्योंकि वो रो रही थी। तो ऐसी हालत में लोग उससे खरबूजे क्यों खरीदते? पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। यानी कि लेखक ने जब उसको देखा तो उसके मन में एक दुख सा लगा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। अब यानी यहाँ पर लेखक ने कहा कि वो फुटपाथ पर बैठी हुई थी, रो रही थी। अब उसका दुख जानने की उसको इच्छा हो रही थी, लेकिन जो पोशाक उसने पहन रखी थी वो उसमें बाधा बन रही थी। वो कैसे वहाँ फुटपाथ पर बैठे, कैसे उसके समीप बैठ कर उसका दुख को जाने? तो यहाँ पर यानी कि पोशाक के बारे में कहा है कि वो उसके लिए बाधा बन गई। अब आगे देखिए, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह भैया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोल रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। बरकत का मतलब कि जैसा हमारी इच्छा होती है वैसा ही वो हमें फल देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, दिया सलाई मतलब माचिस की तीली, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान
सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म इंसान ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। तो इस तरह से मतलब लोग बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर सूतक का मतलब होता है कि कोई घर में किसी की मौत हो जाती है या कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद में 13 दिन का, 12 दिन का, या मतलब जितने दिन का एक की टाइम पीरियड होता है जिसमें कि किसी दूसरे के नहीं, अपन छूते नहीं है, मंदिर में नहीं जाते, लोगों से अलग रहते हैं ऐसे। तो यानी कि इस तरह से वो कह रहे थे कि ये दूसरों का ईमान बिगाड़ रही है, ईमान धर्म को खराब कर रही है, इसको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरह से लोग अपनी अपनी बातें बना रहे थे। अब आगे देखिए, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। यानी कि लेखक ने आस पड़ोस की दुकानों से पूछा तो उसको पता चला कि उसका एक जवान लड़का है जो 23 साल का है और उसके घर में उसकी बहू पोता पोती वगैरह है। और लड़का क्या काम करता था, एक जमीन थी 1.5 बीघा जिस पर वो सब्जियां वगैरह उगाता था और फिर फल सब्जियां जो उसके पास होती उसको वो यानी कि अपने पास लाके बाजार में और उनको या तो स्वयं बेचता या अपनी माँ के साथ बेचता। तो यानी कि दोनों मिलके ये धंधा करते थे खरबूजे बेचने का। अब लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था। मुंह अंधेरे का मतलब बहुत जल्दी, जब सूरज उदय होता है उसके पहले ही। तो गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को धस लिया, यानी कि इस तरह उसके लड़के की मौत हो गई। उसको अंधेरे में दिखा नहीं सांप और अचानक उसका उस पर पैर पड़ गया और उसने उसको धस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई, यानी कि लड़के की जो बुढ़िया माँ थी वो बावली यानी कि एक तरह से पागल से होती हुई ओझा, जो ओझा क्या होता है, जो झाड़ फूंक करने वाले होते हैं गाँव में, तो उनको बुलाकर ले आई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। यानी कि जो ओझा को बुला के लाए थे तो उसको दान दक्षिणा में देनी थी, तो जो घर में था अनाज वगैरह वो उसको दे दिया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना किसका नाम था, उस वृद्ध औरत के बेटे का। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला, यानी वो तो अब खत्म हो चुका था, भगवान का प्यारा हो चुका था। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नगा कैसे विदा किया जाए। यानी यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जिंदा आदमी तो अगर नगा भी रहे, नंगा रहकर भी मतलब घूमे या मतलब जीवन यापन करे तो रह सकता है, लेकिन मरे हुए को तो नंगा कैसे विदा किया जाए, यानी कि उसके लिए तो उसको कफन उड़ाना जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए बजाज के दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कफना ही क्यों न बिक जाए। यानी कि अब कफन के लिए कपड़ा लाने के लिए बाजार की दुकान में पास में बजाज की दुकान थी वहाँ से लाए, लेकिन उसके लिए जो माँ के हाथों में जो छन्नी ककना पहनी हुई थी यानी कि गहने, उनको उसको बेचना पड़ा। भगवान अब परलोक चला गया। घर में कुछ चूनी भूसी थी तो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। यानी अब भगवान तो चला गया लेकिन उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो तो भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह
तप रहा था, यानी बहू को भी बुखार हो गई। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, यानी कि अगर वो किसी से उधार मांगे तो भी कोई देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अब उसका बेटा नहीं रहा, तो लोग सोचते कि अब इसको उधार देंगे तो वो हमारा उधार डूब जाएगा, कौन चुकाएगा। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था उसके पास, यानी कि इसलिए उसको बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा, क्योंकि कहीं से उधार नहीं मिल रहा था, घर में कुछ था नहीं। अब उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बहू को बीमार हो रखी थी यानी बुखार आ रखी थी, तो वो क्या करती। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। यानी वो हिम्मत करके खरबूजे बेचने के लिए तो आ गई, लेकिन आखिर में उसका बच्चा जो था उसका देहांत हो गया था, तो वो कैसे अपने आप को संभालती, इसलिए उससे रोना रोका नहीं गया और वो फपक फपक कर रो रही थी घुटनों पर सिर टिकाए हुए। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, यानी कि लोग उसके लिए मजाक उड़ा रहे थे। उस यानी कि उस जो वर्धा औरत है, उस पुत्र वियोगनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। यानी लेखक को अपने पड़ोस में रहने वाली एक और औरत के बच्चे का ध्यान आ गया, जो कि देहांत हो गया था उसका भी, और उसकी माँ उसके वियोग में तड़प रही थी। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 माह तक पलंग से उठ न सकती थी। संभ्रांत महिला का मतलब जो सभ्य परिवार से हो, यानी कि उच्च कुल से हो, तो 2.5 माह मतलब 2.5 महीने तक वो पलंग से उठी भी नहीं, और उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। यानी हर 10-15 मिनट में उसको बेहोश हो जाती पुत्र को याद करते हुए, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो दो डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यानी यहाँ पर लेखक ने बताया कि एक तरफ तो यह बूढ़ी औरत थी जिसका बेटा मर गया और वो खरबूजे बेचने के लिए आ गई, दूसरी तरफ वह औरत है जो 2.5 महीने तक पलंग से उठी भी नहीं, बार बार बेहोश हो रही थी और उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। तो यानी कि उसके बारे में पूरे शहर में चर्चा थी कि वो कितना दुखी है, तो पूरे शहर वाले उससे दुखी हो रहे थे कि उसके बच्चे की डेथ हो गई। तो इस तरह से लेखक ने दोनों का अंतर यहाँ पर बताया। जब मन को सूज का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी में कदम तेज हो जाती है, उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी लेखक अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि क्या शोक मनाने के लिए, गम मनाने के लिए भी सहूलियतें चाहिए और दुखी होने का भी कोई अधिकार होता है जो हर एक को नहीं मिलता, यानी किसी एक को ही मिलता है, और वो भी किसको, जिसको जिसके पास दौलत हो, जो अमीर हो, वही दुख मना सकता है। तो इस प्रकार से यानी कि लेखक ने यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच का भेद जो है उसके बारे में बताया, और इस पाठ में बताया कि जो अमीर लोग हैं वो अपना दुख गम आराम से सहूलियत से मना सकते हैं, लेकिन गरीबों को तो अपने कार्य पर जाना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है, और ऊपर से लोग उसकी मजाक और उड़ाते हैं। तो इस तरह से दुख का अधिकार हर किसी को नहीं है, वो केवल अमीरों तक सीमित है।